बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ नुसरत मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं लाइफ विद हिजाब यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि है एक सीरम के बारे में। सीरम है वाइटामिन सी का सीरम है, वाइटामिन सी सीरम जो हम मार्केट से बहुत महंगे महंगे परचेज़ करते हैं, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्चुअली ये सारा वाइटामिन सी है, इसके अंदर भी वाइटामिन सी है और इसके जो ये छिलके हैं इसमें भी सारे का सारा विटामिन सी है। आप लेमन ले लें, कोई भी आप माल्टा, फ्रूटर, किन्नू, मौसमी, जो भी इस फैमिली से है वो। इसके बाद ये ग्रेप फ्रूट है, तो ये सारे का सारा विटामिन सी है। लेमन बेशुमार विटामिन सी है। इसके मैंने पहले भी बताया था कि इसके छिलके में भी विटामिन सी होता है और इसका जो जूस होता है उसमें भी विटामिन सी होता है। एक्चुअली छिलके में विटामिन सी जूस और इसके अलावा इसके अंदर ऑयल भी होता है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत मुफीद होता है। अब देखें, विटामिन सी हम मुख्तलिफ किस्म के ज़रिए से इनटेक करते हैं, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारी स्किन को भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो हम इस तरह करते हैं कि हम अपनी स्किन को विटामिन सी का फूड देने के लिए हम डिफरेंट किस्म के जो सीरम्स हैं वो यूज़ करते हैं, जो कि हम मार्केट से परचेज़ करते हैं, जो कि बहुत महंगे महंगे भी होते हैं। और विटामिन सी आपको पता है कि जैसे बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, इस वजह से उसका जो ये हमें नहीं पता होता कि वो कितने दिन पहले तैयार हुआ है, कितना टाइम उसको हो गया बने हुए हैं, और हम उसको यूज़ करेंगे तो हमें उसको कितना बेनिफिट होगा, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स होंगे। आजकल ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा दौर है, हर चीज़ आपको ऑर्गेनिक चाहिए। तो जो ऑर्गेनिक के नाम पर आप विटामिन सी सीरम बहुत महंगे महंगे खरीदते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन है कि वो ये सीरम जो है वो खुद घर पर बनाएं। वो जो ऑर्गेनिक सीरम आप खरीदेंगे या जो आप ब्रांडेड सीरम खरीदेंगे, उससे ज़्यादा ये सस्ता भी होगा और उससे ज़्यादा ये बेनिफिशियल भी होगा। मेरी सब्सक्राइबर हैं मारिया, ये स्पेशल उनकी रिक्वेस्ट में बना रही हूँ, क्योंकि उनको विटामिन सी सीरम बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको चूंकि बहुत महंगे भी नहीं लेने होते, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप हमें घर पर विटामिन सी सीरम बनाना सिखा दें, जो आप खुद भी यूज़ करती हैं और बहुत से लोगों को यूज़ भी करवा चुकी हैं। तो चलें आए देखते हैं कि हमने अब इसको करना क्या है। हमने या ये ग्रेप फ्रूट ले लें, अगर ये आपके पास है तो इसका जो छिलका है वो ले लें, कोई भी किसी किस्म का माल्टा है उसका छिलका है वो ले लें, या जो लेमन है इसका छिलका आप ले लें। मैं यहाँ पे दो लेमन का छिलका लूँगी और इसके बाद मैं यहाँ पे दो ऑरेंज का छिलका लूँगी। इसका जो ग्रेप फ्रूट का है ना, ये मैं अलग से बनाऊँगी। ये मैंने आपको ऑप्शन के लिए बताया कि अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं हैं, ये हैं तो ये ले लें। तो हमने क्या करना है कि बेसिकली हमने इसका जो ये ऑरेंज जो इसका पार्ट है वो हम लोगों ने इसके ऊपर से पील कर लेना है। जो अंदर वाइट पार्ट है वो इसके अंदर नहीं आना चाहिए, सिर्फ इसका ऑरेंज ऊपर वाला पार्ट है वो आना चाहिए, और लेमन का भी इसी तरह से। ठीक है, चलिए अब हम इसको पहले करते हैं पील ऑफ करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जो हमने ऑरेंज पील और लेमन पील को हमने ग्रेट कर लिया था तो वो हमें कुछ इस तरह से मिल गए हैं। अब हमने क्या किया है कि हमने इसके अंदर थोड़ी सी जो मेरे पास ड्राइड रोज़ पेटल थी वो मैंने शामिल की हैं। अगर आपके पास ड्राई हैं तो आप ड्राई शामिल कर दें, अगर आपके पास ड्राई नहीं हैं तो आप फ्रेश रोज़ पेटल भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्स्ट्रा जो कोई एसेंशियल ऑयल है वो इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, हम इसको दो तरह से सोक करके रख सकते हैं। एक तो ये कि हम इसको ओवरनाइट सोक करके रख दें और सुबह में उठ के हम अपना जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो कर लें। तो मैंने ओवरनाइट इसको सोक नहीं किया था, मैं इसको अब अरके गुलाब में, इसको मैं इतना अरके गुलाब डाल रही हूँ कि ये उसके अंदर भीग जाएगा बिल्कुल। और अब मैं तकरीबन इसको 3 घंटों के लिए भिगो के रख दूँगी। अरके गुलाब के अंदर भी आप रख सकते हैं, आप पानी के अंदर जो सिंपल डिस्टिल्ड वाटर है उसके अंदर भी आप रख सकते हैं, तो मैं तो अरके गुलाब के अंदर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो अब मैं इसको 3 घंटों के लिए इसी तरह से भीगा हुआ रहने दूंगी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। आप बिलीव करें कि इतना कोई बेहतरीन किस्म का विटामिन सी सीरम बन के तैयार होने वाला है। ये मैं बहुत टाइम से खुद यूज़ कर रही हूँ और मेरे फेस पे जितने ब्लेमिशेस होते हैं, जितनी भी ये विंटर की वजह से स्किन डल हो जाती है, डैमेज हो जाती है, डेड स्किन की लेयर आ जाती है, स्किन की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है, स्किन पे ग्लो नहीं रहता है, उसके लिए ये ऑर्गेनिक सीरम बेस्ट है और ये आप खुद घर पे बना सकते हैं। ये आप 3 घंटों के लिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, आप इसको ओवरनाइट भी अरके गुलाब में सोक करके रख सकते हैं। तो चलें मिलते हैं फिर 3 घंटों के बाद। देखें, हमने ये जो पूरा मटेरियल था अरके गुलाब के साथ ही जो हमने सोक करके रखा हुआ था वो हम लोगों ने एक ब्लेंडिंग जार में ब्लेंड कर लिया है पूरा। अब हमने क्या करना है कि ब्लेंड करने के बाद इसको छान लेना है। ठीक है, छानने के बाद जो इसका ये मटेरियल नीचे हमें मिलेगा, ये असल में
हमारा, इससे हम अपना फिर सीरम बनाएंगे। और ये जो ऊपर इसका ऊपर जो इसका वेस्ट होगा उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम इस तरह करेंगे कि इसमें दही डाल के तो इससे ना स्क्रब अपना अच्छा सा बना लेंगे। इससे स्क्रब बहुत अच्छा होता है, स्किन बड़ी नीट एंड क्लीन हो जाती है। ठीक है, तो चलिए मैं इस पूरे को छान के फिर मैं आपको बताती हूँ। देखें हमारे पास अब ये इस तरह का जो लिक्विड है ये बनकर तैयार हो चुका है। वो जो हमने छान लिया है उसके जो उसका जो बुरादा सा था वो बच गया, वो हमने रख दिया। इसके अंदर अब हमने कुछ चीज़ें और ऐड करनी हैं जो कि हमें हमारे सीरम को बनाने में बहुत हेल्प करेंगी और हमारी स्किन को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। इसमें एलोवेरा जेल जाएगा 2 टेबल स्पून। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल डालते हैं तो फिर आप इसकी जो शेल्फ लाइफ होगी इस सीरम की वो होगी तकरीबन 7 डेज, और फिर आपको रेफ्रिजरेट करना पड़ेगा। और अगर आप ये बाजारी एलोवेरा जेल डालते हैं तो फिर आप इसको 20 से 25 दिनों के लिए रख सकते हैं, क्योंकि अब सर्दी है तो आप इसको रूम टेम्परेचर के ऊपर भी रख सकते हैं। ठीक है, आपने इसमें एलोवेरा जेल डाल दिया 2 चम्मच भर कर ही हम इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, यानी ये हमने उसको सोख भी रोज़ वाटर में किया था, इसके अलावा हम इसमें एडिशनली रोज़ वाटर भी ऐड करेंगे जो हम इसमें 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे, और हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो चीज़ हम डालते जाएंगे हम उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसका जो एक कंसिस्टेंसी है ना इसकी, तो वो आ जाए सीरम के जैसी। अब ये देखें, ये इसके बाद अगर आपके पास खीरे का रस है इसमें तो इस टाइम आप इसमें खीरे का रस डाल दें। अगर खीरे का रस नहीं है तो मेरे पास ये क्यूकम्बर जेल है, मैं रिवाज वालों की ज़्यादातर जो क्यूकम्बर जेल है वो यूज़ करती हूँ, तो मैं 1 टेबल स्पून है मैं वो भर के इसमें डाल दूँ। अब चलेगी इसके अंदर ये क्यूकम्बर जेल चला गया इसके अंदर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छा, अब एक जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप ग्लिसरीन को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मेरी ड्राई स्किन है तो मैं 1 चम्मच भर के इसके अंदर ग्लिसरीन का भी ऐड करूँगी। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कम ऐड करें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड करूँगी। देखें जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये हमारी स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ भी करेगा, हमारी स्किन से जितना ब्लेमिशेस होगा जितने डार्क स्पॉट होंगे उसको ख़त्म करेगा, और हमारी स्किन पे एक नेचुरली ग्लो आ जाएगा, और इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो इस तरह होगी। ठीक है जी, अभी हम चूँकि इसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं इस वजह से, अब देखें आप इसमें इस स्टेज पर आलमंड ऑयल भी डाल सकते हैं, टी ट्री ऑयल भी डाल सकते हैं। 3-4 ड्रॉप्स अगर टी ट्री ऑयल डालते हैं तो 3-4 ड्रॉप्स डालें, लेवेंडर ऑयल डालते हैं तो भी उसके 3-4 ड्रॉप्स डालें, और अगर आलमंड ऑयल डालते हैं तो आपने चूँकि विंटर हैं तो 1 टीस्पून है वो डालना है। तो मैं इस टाइम इसके अंदर जो जॉनसन का विटामिन ई ऑयल होता है ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे सूट भी बहुत ज़्यादा करता है, तो मैं या आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ या ये जो जॉनसन का विटामिन ई ऑयल है ये मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इसके अंदर अपना 1 टीस्पून के जितना मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और इसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो हम इसको सीरम वाली कंसिस्टेंसी में ले आएंगे। और इसके बाद हमने इसके अंदर ये जो ऑरेंज पील का और जो लेमन पील का और जो रोजेज़ का था वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें ऐसा करके इसके अंदर हमने पहले हम ये देखें 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ये हम ऐड करेंगे। इसको हम धीरे धीरे मिलाएंगे, एकदम से आपने डाल के इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा और फिर उसके अंदर लम्स बनने शुरू हो जाएंगे कि इकट्ठा आप डाल दें और फिर वो मिक्स ही ना हो। इसलिए पहले इसको डालते जाएं 1-1, 2-2 चम्मच और फिर इसको मिक्स करते जाएं। अब हम 1 चम्मच इसमें और डालेंगे। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखें ये इतना फ़ायदेमंद है आपकी स्किन के लिए कि आप इसको जब यूज़ करेंगे तो आपको 7 डेज तक, हमने 5 जो है ना वो टेबलस्पून इसके अंदर इसके ऐड करने हैं। ठीक है, ये देखें जी मैंने इसमें अब थोड़ा सा ज़ाफ़रान भी डाला है,
तो अब देखिए हमारा जो सीरम है वो बनकर तैयार हो गया है। अब हमने क्या करना है कि हमने कोई करना है, हमने डार्क कलर की कोई बॉटल लेनी है इस तरह की, जो कि ये पहले वैसे बेसिकली एक सीरम की बॉटल थी जो कि मैं टी ट्री ऑयल जिसमें लेकर आई थी, ये उसकी बॉटल थी। तो इसके अंदर आपने इसको डाल देना है और इसको अपने डार्क प्लेस पर रखना है। आपने इसको डार्क बॉटल में भी डालना है और डार्क प्लेस में भी रखना है। आप इसको लाइट कलर की जो बॉटल्स हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, उसमें नहीं डाल सकते वरना ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, अब इसको यूज़ कौन कौन कर सकता है, किस किस स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको ऑल टाइप्स ऑफ स्किन के लोग यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 20 डेज़ है और इसके बाद आप जब ज़रूरत पड़े तो नया बना लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि सीरम की बॉटल में से 2-3 ड्रॉप्स इस तरह से इसको खोलना है, 2-3 ड्रॉप्स इसमें से लेने हैं, लेके तो फिर आपने ना इसको अपने फेस के ऊपर डैब डैब करके आपने इसको लगा लेना है। जैसे कि ये हमारे पास है, आप यकीन करें कि इतना आपकी स्किन के ऊपर इंस्टेंट ग्लो आता है और आपकी स्किन जो होती है वो ब्लेमिशेस फ्री हो जाती है, आपकी स्किन पे ग्लो आता है, नेचुरल मॉइस्चर आता है और आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है। 7-10 डेज़ के यूज़ के बाद आपकी जो स्किन होगी वो नेचुरली इससे लाइट और ब्राइट दिखने लगेगी और आपकी स्किन के ऊपर जितने ब्लेमिशेस हैं, जितने डार्क स्पॉट्स हैं और जितना उसके ऊपर छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, वो सारी की सारी इसके साथ ख़त्म हो जाती है। बहुत यूज़फुल है, आपने इसको ज़रूर बनाना है और इस्तेमाल करना है। और ये चूँकि आपने इसको लगाना कब कब है, आप इसको अगर आप सुबह लगाते हैं तो फिर आपको इसको धूप में निकलने से पहले लगाना है, और फिर आपने इसको लगाने के बाद जब आप धूप में बाहर जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये रोशनी और आग से ऑपरेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको हीट देकर नहीं बनाया, क्योंकि जो विटामिन सी की जो चीज़ें हीट देकर बनाई जाती हैं तो उसका जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद इसका जो बेहतरीन टाइम है वो शाम है यानी रात है। आप जब अपना फेस धोते हैं, धोने के बाद आपने इस जो आपका ये सीरम है विटामिन सी सीरम, आपने इसको लगाना है। लगाने के बाद 2-3 मिनट वेट करना है, फिर उसके बाद आपने इस पर मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है, क्योंकि स्किन ये ना होकर ड्राई हो जाए। सर्दियाँ भी हैं तो इसके बाद आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी जब आप इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे तो। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, और जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमें विटामिन सी सीरम जो है ना वो बनाना बता दे, तो उनके लिए ये वीडियो बनानी आसान हो जाएगी। आप इस सीरम को बनाएं, इस्तेमाल करें और फिर अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर करें। और प्लीज़ आपने एक काम करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है, ताकि जो मेरी आने वाली नई वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। ये जो हमने सीरम बनाया है, इसी सीरम से मज़ीद इसकी क्रीम्स भी बनेंगी और भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी जो मैं आपको आगे विटामिन सी की जो सीरीज़ है पूरी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रखिएगा अपना बहुत ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।